नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में म्यूकर माइकोसिस की बीमारी से परेशान मरीज की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गुहार। निजी स्कूल की मनमानी फीस का मुद्दा, सवाल पूछने पर नागपुर के शिक्षणाधिकारी चिंतामन वंजारी भाग खड़े हुए, वीडियो हुआ वायरल। और नक्सलियों को जीवन के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए गढ़चिरौली पुलिस की नई पहल, जिले में नक्सली परिवार सम्मेलन का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में कोरोना के संक्रमण के बीच म्यूकर माइकोसिस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इसके इलाज की सबसे बड़ी समस्या निर्माण होते जा रही है। ऐसे ही एक समस्या से परेशान मरीज के परिजन ने म्यूकर माइकोसिस की बीमारी के इलाज के लिए सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख डाला। नागपुर के रहीवासी स्वप्निल भंडारकर इन दिनों म्यूकर माइकोसिस बीमारी से ग्रस्त है, जिनके इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में भंडारकर परिवार की सारी कोशिश नाकाम हो गई तो परिवार ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मदद करने की पत्र लिखकर गुहार लगा दी। मरीज की बहन हर्षला ने पत्र लिखा है, जबकि पत्र लिखकर 15 दिन से अधिक का समय बीत गया है, बावजूद इसके अब तक कोई जवाब नहीं मिलने से भंडारकर परिवार हताश हो गया है। नागपुर में इन दिनों निजी स्कूल के फीस वृद्धि के खिलाफ पालक संगठन सीधे शिक्षा विभाग से टकराने के मूड में नजर आ रही है और शिक्षण विभाग के पास भी पालक संगठनों का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जब पालक संगठन शिक्षणाधिकारी चिंतामन वंजारी सवाल के जवाब से पिंड छुड़ाकर निकल पड़े। इस वीडियो को 5 दिन पहले का बताया जा रहा है, जबकि 13 जून को पालक संगठनाएं अब संविधान चौक पर प्रदर्शन करने वाली है। टीसी बेकायदेशीरित्या कसा पाठवला याचं पत्र काढायला पाहिजे होतं। आम्ही जर शाळेला टीसी मागितलाच नाही आहे तर मग शाळेने विनंती, आम्ही शाळेला विनंती करायची कशा करता? मग शाळा सगळं चुकीचं करेल आणि तुम्ही शाळेला सपोर्ट करताय। शाळेला प्रश्न, शाळेला जाब विचारायच्या ऐवजी की तुम्ही टीसी कुठल्या कायद्याअंतर्गत पाठवला किंवा कुठल्या बेसिसवर पाठवला हे विचारण्यासाठी तुम्हाला पत्र इश्यू करायचं होतं। आमची विनंती नाही करायची, आम्ही टीसी नाही मागितले शाळेला। तुमच्या नाकर्तेपणामुळे शाळेने आतापर्यंत ही कारवाई केलेली आहे। तुम्ही जर त्यांच्यावर ॲक्शन घेतली असती, 2014 पासून सगळे बेकायदेशीरित्या कामं करता आहे, तुमच्याकडे प्रूफ असूनही तुम्ही कामं करत नाही आहे, तुम्ही ॲक्शन घेत नाही आहे, म्हणजे तुम्ही काहीच कारवाई करणार नाही। म्हणजे एवढी मंजुरी, म्हणजे काल तिथे बसून तर तुमच्या तोंडात शब्द नव्हते निघत आणि आता इथे तुम्ही माझी मंजुरी करताय। हां, तिथे बसल्यानंतर तुम्ही काही करू नव्हते शकत। म्हणजे शाळेला विनंती करण्याकरता आम्ही विनंती करायची शाळेला कशाकरता विनंती करायची? नाही तर हो, बरोबर आहे, खबर नाही येणार। तुम्ही चुकीचे कामं कराल, तुम्ही शाळेला सपोर्ट कराल, तुम्ही शाळेला चुकीच्या कामांमध्ये सपोर्ट कराल आणि तुम्ही मला म्हणाल का बरं नाही? आम्ही विनंती का बरं करायची शाळेला हे सांगा। आम्ही शाळेला विनंती का बरं करायची जर आम्ही टीसी मागितला नाही तर? तुम्ही कोणत्या कायद्याअंतर्गत तुम्ही टीसी इश्यू केला हे पत्र तुम्ही इश्यू करायला पाहिजे होतं। म्हणजे तुमच्या शाळेची काही सदगाठ आहे का? नाही सांगा, मग आता सांगा, मग त्या पत्रात लिहायला पाहिजे होतं, पत्रात लिहायला पाहिजे होतं। मग मला लेखी द्या, कोणत्या कायद्याअंतर्गत मला शाळेने टीसी इश्यू केला याचं मला पत्र द्या, याचं मला लेटर हवं आत्ता। शाळेने कसं लेटर नाही मिळत? लेटर का बरं नाही मिळणार? माझा अधिकार आहे तो। हे पा, हे वंजारी साहेब आहे, काल तिकडे डीडीच्या ऑफिसमध्ये बसल्यानंतर यांच्या तोंडात शब्द नव्हते निघत, इथं आता ते आम्हाला बाहेरचा म्हणतात, हाकलतात आणि स्वतः आता चालले आहे मुजुरी करून। शाळेसोबत त्यांची सातगाठ आहे, शाळेला लेटर इश्यू नाही करू शकत। हे पा, हे पळून चालले, स्वतःचं ऑफिस सोडून पळून चालले, हे आहेत एज्युकेशन ऑफिसर। नक्सलग्रस्त गढ़चिरौली जिले में नक्सल गतिविधियों में लिप्त लोगों को जीवन की प्रमुख धारा में लाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नक्सल परिवार सम्मेलन का आयोजन गढ़चिरौली में किया गया। गौरतलब है कि गढ़चिरौली में पिछले कुछ समय में नक्सल गतिविधियों में कमी पाई गई है, जहां इसे जड़ से समाप्त करने के लिए अब पुलिस विभाग नए नए अभियान लेकर आ रहा है, जिसके तहत गढ़चिरौली में नक्सल परिवार सम्मेलन का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा किया गया, जहां पहुंचे लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए साहित्य भी वितरित किए गए।
गढ़चिरौली पुलिस की इसे बेहतर पहल माना जा रहा है, जो जिले में नक्सलवाद को कम करने के लिए कारगर साबित होगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है, जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अंबाजरी परिसर में 9 एकड़ में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्मृति में बनाई गई वास्तु को MTDC ने मनपा की परमिशन लिए बिना ही तोड़ दी। उसका निषेध एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने किया है। एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने बताया कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद अंबाजरी में 9 एकड़ पर मनपा ने बाबा साहेब की स्मृति में वहाँ एक वास्तु का निर्माण किया था, जिसे राज्य सरकार के MTDC ने तोड़ दिया, जिससे अंबेडकरी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसको जल्द पुनः निर्माण किया जाए, ऐसी मांग नगर सेवक एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने पत्र परिषद में की। महापरिनिर्वाण के बाद उनके स्मृति में 4,500 वर्ग फुट से भी बड़ी जो वास्तु, जिसके साथ में इस शहर के, राज्य के और देश के दलितों की अस्मिता जुड़ी है, यह वास्तु MTDC ने नागपुर महानगर पालिका की कोई भी प्रकार की परवानगी के बगैर इस ऐतिहासिक वास्तु को नेस्तनाबूद किया है, तोड़ दिया है। इस स्मृति का मैं कठोर शब्द में निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि यह 19 एकड़ जो जगह नागपुर महानगर पालिका के परिचलन में थी, वो जैसे थे पुनश्च नागपुर महानगर पालिका को मिलनी चाहिए, और जो वास्तु MTDC ने गिराई है वो बिना विलंब, बगैर कोई भी प्रकार की देर लगाते हुए इस वास्तु का निर्माण कर इस राज्य, देश और शहर के दलितों के प्रति, बाबा साहब के नाम के प्रति अर्पित करनी चाहिए। इसी मांग के मद्देनज़र माननीय महापौर जी दयाशंकर जी तिवारी, इनको मैंने विनंती की और उन्होंने 11 तारीख को दोपहर को 12 बजे उस जगह का निरीक्षण दौरा निकाला है। नागपुर में ब्लैक फंगस के एक मरीज के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा लगा। इस मरीज का इलाज तो हो गया, लेकिन 1.5 करोड़ खर्चा होने के बाद भी मरीज को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। ये है नागपुर के नवीन पॉल। पॉल यह GST विभाग में कार्यरत है। कोरोना के बाद उन्हें म्यूकरमाइकोसिस बीमारी हो गई और इस इलाज के लिए उन्हें लगातार 6 अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा और इस इलाज के लिए उन्हें 1,48,00,000 रुपए खर्च करने पड़े। ये है नागपुर के नवीन पॉल का परिवार। नवीन पॉल को पिछले कुछ महीनों पहले कोरोना हो गया था, जिससे वो ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें आँखों में दिक्कत होने लगी, दांत हिलने लगे। जब उन्होंने नागपुर के एक डॉक्टर से इस बारे में पूछताछ की तो उन्हें आगे के इलाज के लिए हैदराबाद जाने की सलाह दी गई, लेकिन हैदराबाद में कोई खास इलाज नहीं हुआ तो वे इलाज के लिए मुंबई चले गए, जहां 1 महीने तक उनका इलाज चला। उस इलाज से भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला तो पॉल इलाज के लिए नागपुर वापस लौट आए। यहीं पर उनका इलाज किया गया और डॉक्टर ने उनकी एक आँख निकालने का फैसला किया। परिजन के सम्मति के बाद पॉल इनकी एक आँख निकाल दी गई। इन सभी अस्पतालों में इलाज के लिए पॉल को 1,48,00,000 रुपये का बिल देना पड़ा। सर, पहले तो मुझे कोरोना हुआ तो मुझे विलेज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ मैं 14 से 15 दिन तक के, 22 दिन तक के मैं एडमिट था। वहाँ का खर्चा नियर अबाउट 9,00,000 के आसपास आया मेरा कोरोना का। फिर वहाँ से आने के बाद मेरे आँखों में प्रॉब्लम होने लगा, मेरे दांतों में दर्द होने लगा। फिर मुझे घर में बताना पड़ा कि भाई मेरा आँख के लिए आँख का इलाज करना है। तो फिर मैं मेरे भैया प्रदीप मैत्रा रिपोर्टर है वो भी, तो उन्होंने मुझे निरौल का सजेशन किया। मैं निरौल हॉस्पिटल में गया, वहाँ एडमिट हुआ। वहाँ पे मेरे दांत गिरना चालू हो गए सर। उसके बाद वहाँ मेरा आँख का कोई भी म्यूकोमाइसिस का कोई पकड़ नहीं पाया कुछ, क्या इनको म्यूकोमाइसिस है या क्या है। तो मेरे ब्रदर ने बोला था कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने कुछ गूगल वगैरह में सर्च किया था,
डॉक्टर लोगों को पूछा, सर बोले कहीं मेरे भैया को म्यूकोमाइसिस तो नहीं है। डॉक्टर का कहना था कि आप लोग को ज़्यादा समझता है कि हमको ज़्यादा समझता है, तो फिर हम लोग चुप हो गए सर। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमको डिस्चार्ज दे दिया वहाँ से। एक महीना मैं निराल हॉस्पिटल में था, वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैं गया हैदराबाद एलबी प्रसाद, आँख का बहुत बड़ा दवाखाना है, तो वहाँ पर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे भी अब डॉक्टर बोले आपका विज़न ठीक है आँखों का, यहाँ पे आपके आँख का कुछ हो नहीं सकता, आप इन्फेक्शन के डॉक्टर के पास जाइए। फिर मैं नागपुर में आया, इन्फेक्शन के डॉक्टर का सर्च किया तो एलेक्सिस हॉस्पिटल में नितिन चेंडेकर के डॉक्टर थे, उनसे मैं मुलाकात किया, उन्होंने मुझे एडमिट करवाया वहाँ। उसके बाद सर का कहना हुआ ऐसा कि आपको जैसा जिस तरीके से डोजेस देना चाहिए, फोजम मेरा स्टार्टिंग वहीं से हुआ था, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में दे रहे थे। नवीन की पत्नी रेलवे में है, इसलिए इन सभी उपचारों के लिए रेल विभाग ने उनकी काफ़ी मदद की और उनका कहना है कि वह बच गए। नवीन की पत्नी संगीता ने अपने पति को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए। जैसे जैसे उनके पति के लिए इलाज के लिए लागत बढ़ती जा रही थी, उनके रिश्तेदारों ने भी उनकी बहुत मदद की। उनकी जान बचाने के लिए हर कोई उसकी मदद के लिए आगे आ रहा था और नागपुर में डॉक्टरों ने भी बहुत प्रयास किया और बचाई नवीन की जान। नवीन को एक आँख निकालनी थी लेकिन दूसरी आँख अच्छी है और उस आँख की रोशनी बहुत अच्छी है, इसलिए उनकी पत्नी खुश है। पॉल का कहना है कि रेलवे ने एवं उनके दोस्त एवं परिवार ने उनकी बहुत मदद की। सर पहले तो मेरे परिवार वाले ने, सब ने मेरा मदद किया है, मेरे देवर लोगों ने, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भांजे लोगों ने, सब ने पैसे से मदद किया। फिर मैंने अपना जो गोल्ड था मेरा पूरा, मैं 8 लाख में गिरवी रखी हूँ, मेरा पीएफ, मैं रेलवे में करती सर्विस तो मैं पीएफ से निकाली हूँ, सोसाइटी का लोन निकाला है, फिर मेरा प्रॉपर्टी है कुछ ज़मीन वो गिरवी रखी हूँ, ऐसा करके। और बहुत सारे मेरे परिवार के लोगों ने जो कलकत्ते में रहते, आजू बाजू रहते, और भी मेरे जो रिश्तेदार हैं दूर के, वो लोगों ने भी मुझे 50,000, किसी ने 40,000, किसी ने जिससे जो जमा, उन्होंने सब ने मेरा मदद किया। ऐसे करते मैंने पैसे का उतना जुगाड़ किया, ऐसा करके मैंने इनका ट्रीटमेंट कराई हूँ। बाकी ट्रीटमेंट फिर मेरे रेलवे में चला, जो रेलवे वाले लोगों ने 1 करोड़ का ट्रीटमेंट रेलवे में हुआ है। रेलवे वाले लोग सर हमारे जो कांग्रेस के जो यूनियन के जो पीताम्बर अन्ना है, वो बहुत सपोर्ट वाले सर है। वो जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है अपने परिवार रेलवे से कनेक्टेड, जो भी परिवार कर्मचारी के घर के लोगों या कर्मचारी को कुछ होता है, वो पहले दौड़ते हैं मदद करने के लिए। वो एक फॉर्म भरते हैं हमको और तुरंत बोलते हैं आप एडमिट हो जाइए, फिर आके वो पूरा डॉक्टर से बात करना, उनसे सब सलाह मशवरा करना और पूरा ट्रीटमेंट फिर रेलवे से, रेलवे के थ्रू कराते हैं वो। ऐसा करके फिर वो पीताम्बर अन्ना ने ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज इतना पैसा जो बोलो तो पीताम्बर अन्ना के कारण ही हम लोगों का हो सका है सर, क्योंकि उन्होंने सीएमएस मैडम जो हमारे रेलवे के है, उनसे उन्होंने बात किया था पर्सनली जाके कि भाई वो पहले थोड़ा सा बोल रहे थे इतना पैसा कैसा, एक एक दिन में फोजुम लगता था 80,000 का, 90,000 का। एक रेलवे कर्मचारी, आपका कोई स्लैब है क्या, आपका ऐसा कुछ अमाउंट है सीलिंग में कि आपको 50 लाख का ट्रीटमेंट होगा, उसके ऊपर नहीं होगा और आपको इतना ट्रीटमेंट करना पड़ रहा, तो वो सब पीताम्बर अन्ना के कारण ही भाई हमारे, उन्होंने मदद किया हमसे जो आज ट्रीटमेंट हमारा हो सका। इतना ट्रीटमेंट हम इधर LIC भी करते, हमारा ट्रीटमेंट, हमारा इतना अमाउंट हम नहीं ला पाते। नागपुर और विदर्भ में ब्लैक फंगस का संभवतः यह पहला मामला है, लेकिन यह भारी लागत रेल विभाग और अन्य सहयोगियों और रिश्तेदारों की मदद के बिना संभव नहीं होता। लेकिन 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी परिवार वाले भी थोड़े दुखी जरूर है कि पॉल को एक आँख गंवानी पड़ी। नागपुर में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी जानकारी मौसम विभाग ने बुधवार को दी है। आगामी 11 जून से 13 जून तक नागपुर में मूसलाधार बारिश का इशारा मौसम विभाग द्वारा दिया गया है, जबकि इस बार जून महीने में ही विदर्भ में अच्छी बारिश होने के संकेत मौसम विभाग द्वारा दिए गए हैं। नागपुर में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे ही दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग व प्रादेशिक मौसम विभाग द्वारा स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि आगामी 12 से 13 जून तक नागपुर में मूसलाधार बारिश होने वाली है। इस दौरान मौसम विभाग ने यह भी कहा कि जून महीने में विदर्भ में मानसून बेहतर रहेगा, यही मध्य भारत में करीब 106% बारिश होने का अनुमान भी मौसम विभाग बता रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दाब के कारण मध्य भारत में मानसून सक्रिय होने की जानकारी दी जा रही है, जबकि 11 जून से नागपुर वासियों को मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ेगा। आज विदर्भ में जो है मानसून पहुंच चुका है और मानसून का जो नॉर्दर्न लिमिट है वो मलेगांव नागपुर होते हुए
जा रहा है। तो नागपुर के नीचे का जो विदर्भ का हिस्सा है उसमें मानसून आज पहुंच चुका है। इस बार मानसून अच्छा रहने की संभावना है और अभी जैसा कि हमने बताया था कि 11th को जो है बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, तो 11th से फिर जो है 11, 12, 13 जो है विदर्भ में भारी वर्षा की संभावना रहेगी और मानसून की एक्टिविटी जो है अब बढ़ जाएगी काफ़ी। 11, 12, 13 के लिए भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी चल रही है उस समय। तो अभी भारी वर्षा, तेज हवाएं, इन सब की चेतावनी दी गई है। इस बार लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में जो है स्पेसिफिकली जो रीजन का जो दिया गया है उसमें विदर्भ के क्षेत्र में जून में काफ़ी अच्छी बारिश दिख रही है और औसत से अच्छी बारिश की संभावना रहेगी जून में जो है, और पूरे मानसून में भी 106% सेंट्रल इंडिया में जो है बारिश की संभावना है। तो विदर्भ में भी हम नॉर्मल से औसत से अच्छी बारिश की आशा करते हैं। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।